हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी टुडे न्यूज। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि डीआरडीओ में आ चुकी है बंपर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से फाइनली एक नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि इस साल 2022 का बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन है। दोस्तों इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट से लेकर के 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, सरकारी नौकरी पाने का काफी अच्छा सुनहरा अवसर है। अप्लाई जरूर कीजिएगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपको डीआरडीओ की इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, इसका सेप्टेम्बर 10 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट जानकारी और अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं sarkaritodaynews.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर आप आकर के इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको डीआरडीओ की इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें जो भर्ती निकाली जा रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से निकाली जा रही है। तो डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट की बात करते हैं तो नंबर वन जो वैकेंसी है वो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ए की। ठीक है, तो यहां पर कुल मिला के जो वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों 1901 वैकेंसी जारी की गई है जो कि बंपर वैकेंसी है डीआरडीओ की तरफ से। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है और ये जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है, यानी कि आप देख सकते हैं मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई केवल आपको दोस्तों ऑनलाइन ही करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा वो आपको बता देते हैं। यहां पर दोस्तों आपकी कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाली है, केवल आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका एग्जाम होगा जो कि आपका सीबीटी बेस आपका एग्जाम दिया जा सकता है। वही दोस्तों एप्लीकेशन फीस के अलावा यहां पर एज लिमिट की बात करते हैं तो कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 28 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट है जो कि रिजर्व कैंडिडेट्स को है, एससी एसटी और ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है यहां पर आयु सीमा में छूट का बेनिफिट भी ले सकते हैं। जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की रहेगी दोस्तों यहां पर। वही दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको बता देते हैं तो यहां पर जो फीस ली जा रही है जनरल ओबीसी से 100 रुपए लिए जा रहे हैं, वहीं एससी एसटी फीमेल से बिल्कुल फ्री है, यानी कि रिजर्व कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट जो है बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को पेमेंट और ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अगर आप 10वीं पास है कम से कम 10th क्लास पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई पास अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा पास, डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों इसके आवेदन कब से कब तक चलेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं आवेदन जो है 3 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, 23 सितंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो 23 सितंबर से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा, यहां पर आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का और यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहां पर जारी कर दिया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से। सेप्टेम्बर 10 का नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है, आवेदन आप देखते हैं कब से कब तक चलेंगे और यहां पर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है 23 सितंबर तक कंप्लीट होना चाहिए आपका। बाकी सारी जानकारी के लिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, डिटेल्स में आपको जानकारी दे रखी है। तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा और इस भर्ती को लेकर के कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।